दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। उस बैठक के ठीक पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन और अपने दलों के अंदर अपना नफा नुकसान देखने में जुटे हुए हैं। दरअसल 13 सितंबर को जो बैठक दिल्ली में होनी है उसमें कोऑर्डिनेशन की जो पहली बैठक होगी और इसमें तय किया जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी हिस्सेदारी किन जगहों पर मिले। लिहाजा सभी बिहार की जो महागठबंधन की जो दलें हैं वो अपने अपने संगठन के नेताओं के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ बैठक कर ये तय करने में जुटे हैं कि किन किन सीटों पर दावेदारी की जाएगी, किन किन सीटों पर दावा ठोका जाएगा। अगर 2024 के चुनाव के लिए कितनी सीटें किस राजनीतिक दल को चाहिए, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जाने से पहले यह तय कर लेना चाहते हैं कि उनके किस इलाके में ज़्यादा जनाधार है, किस जगह पर उनके समर्थकों की जो डिमांड है, वो तमाम चीज़ों को देखने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले दिन और आज यानी दो दिनों से मंथन शुरू किए हैं, आज दूसरा दिन है मंथन का, और इस मंथन में तेजस्वी यादव यह तय कर लेंगे कि किन किन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 2024 के चुनाव लड़ेगी और उसके लिए क्या कुछ एजेंडा तय होगा। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जाने से पहले तेजस्वी यादव अपने लोगों का भरोसा देखना चाहते हैं कि वो अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अगर कोई बातचीत होती है तो वो बिहार से जो रणनीति बन के जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल की जो रणनीति होगी, उस रणनीति को कैसे पूरी तरीके से अमलेजामा पहनाया जाए, कितने सीटों पर दावेदारी की जाएगी और किन किन सीटों पर मजबूत दावेदार होने के सबूत भी दिए जाएंगे। लिहाजा तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि वो जब तमाम राजनीतिक दलों के बैठक में पहुंचे तो उसके पहले उनके पास पूरा एक होमवर्क हो, कागज़ों पर तमाम चीज़ों की पूरी जानकारी हो, किस विधानसभा में किस बूथ पर कितने जो उनके वोटर हैं और कितने उनके समर्थक हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी है कि लोकसभा चुनाव में अगर उम्मीदवारों की गिनती की जाए कि 40 सीटों पर कितने उम्मीदवार राजद से चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए तेजस्वी यादव जो लिस्ट इंडिया गठबंधन के सामने रखना चाहते हैं उस गठबंधन के सामने तेजस्वी अपनी पूरी होमवर्क की हुई कॉपी रखना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास जो लिस्टों की संख्या है, जो उम्मीदवारों की जो डिमांड है या जो उम्मीदवार उनके पास हैं वो पहले से तैयार है और मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि बिहार के अंदर अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात होगी तो राजद के तमाम नेता हर इलाके में राजद के वर्चस्व की बात करेंगे। लिहाजा तेजस्वी चाहते हैं कि वो कागजों पर दिखे, धरातल पर दिखे और इसी के साथ वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच अपनी बातें रखें। जाहिर सी बात है कि जब सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया जाएगा तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के जो नेता होंगे, जो दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके जो उम्मीदवार होंगे उनके चेहरे पर चर्चा करेंगे और जिनके उम्मीदवार जितने प्रभावशाली होंगे, जिस इलाके में जिस राजनीतिक दल का जया पकड़ होगी उसको लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों को समझौता या सीट देने में सहजता होगी। लिहाजा तेजस्वी यादव ने अपने तमाम पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर यह बैठक शुरू हो गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बैठक में कल भी मौजूद नहीं थे और फिलहाल अब तक मौजूद नहीं है। लालू प्रसाद यादव देवघर गए थे। लालू प्रसाद यादव के लौटने से पहले तेजस्वी चाहते हैं कि पूरी होमवर्क करके पार्टी का पूरा रूपरेखा तय करके लालू प्रसाद यादव को दिया जाएगा। हालांकि आज जो बैठक चल रही है इसमें कई जो विधायक हैं, कई जो मंत्री हैं, वो तमाम लोग हैं, पार्टी और संगठन के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से राजद को पूरी तरीके से एकजुट कर चुनाव के पहले तैयारी में जुट जाते थे, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव ने इस बार अपने नेताओं को एकजुट कर उनका विचार, उनके राय मशवरा के साथ साथ पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी पूरी रणनीति बनाने के लिए जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग पर यह बैठक की जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, सभी विधान परिषद, पूर्व जो मंत्री थे, जो उम्मीदवार थे और अभी जो बूथ लेवल के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, जो जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उन तमाम नेताओं को आज की बैठक में बुलाया गया है और यह बैठक की जा रही है। जाहिर सी बात है कि 13 से पहले होमवर्क शुरू हो गया है। इस होमवर्क में पता है कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो पूरी तरीके से होमवर्क करके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचेंगे तो आने वाले वक्त में उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा जब वो सीटों पर अपने उम्मीदवार की दावेदारी की बात करेंगे। लिहाजा यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मंथन शुरू कर चुके हैं। बिहार में सभी राजनीतिक दल के
जो कहें कार्यक्रम लगे हुए हैं। वामदल की तरफ से माले का भी आज संगठन को लेकर बैठक चल रही है। जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव, इधर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठकों में जुटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज राजद के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में अपनी अपनी दावेदारी, अपनी हिस्सेदारी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के तमाम नेता और पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।